मेंटल हेल्थ काफ़ी टैबू, काफ़ी हश हश सब्जेक्ट है इंडिया में, और आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मानसिक हेल्थ खाने से कैसे बेहतर कर सकते हो। मज़ा आएगा, इट्स वेरी यूनिक वीडियो, कंटिन्यू रखो देखना इसको। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, 3 सेकंड का इंट्रो आएगा मेरा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के इवेंट पे और ओकेजन पे चलो ये वीडियो में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कनेक्शन न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ का, कि हमारा मूड जब भी डाउन होता है ना, तो हमें कुछ ऐसे अतरंगी खाना खाने का मन करता है। किसी को भी लो मूड में ऐसे सैलेड खाने का मन नहीं करता है, हमें पिज़्ज़ा, ब्राउनी, बर्गर ये सब खाने का मन करता है। कभी सोचा है क्यों? मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब है ना इवोल्यूशन में, ह्यूमन इवोल्यूशन में। बिकॉज इवोल्यूशनरी ह्यूमन बींग्स को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, हम सब लोगों को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक है फूड, दूसरा है सेक्स। फर्स्ट इज़ फूड, हम खुद को ज़िंदा रखने के लिए, दूसरा सेक्स, सो देट हम रिप्रोड्यूस करके हमारी स्पीशीज को ज़िंदा रख सकें। इसलिए हम जब भी इन दोनों एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में डोपामीन करके केमिकल रिलीज होता है भर भर के, वो हमें अच्छा फील कराता है। अभी हमारा जब मूड डाउन है तो ऐसे सेक्स तो जोमैटो और स्विगी पे मिलता नहीं है, है ना, तो खाना इज़ द सेकंड बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। एंड अनदर लॉजिक सेज कि जितना ज़्यादा कैलोरीज जितना जल्दी हमें मिलेगा, उतना जल्दी डोपामीन, उतना ज़्यादा डोपामीन हमें मिलेगा तो हमें अच्छा मिलेगा। तो व्हेनेवर वी फील लो, हमारे ब्रेन को पता है कि जब मैं मीठी या तली हुई चीज़ें या क्रिस्प्स या प्रोसेस फूड खाऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज आएंगी और बहुत जल्दी सिंपल शुगर से तो सीधा मेरी बॉडी में जाएंगी और मेरे ब्रेन को डोपामीन मिलेगा। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई जब भी हम मेंटली लो फील करते हैं ना, तो वी रीच आउट टू जंक फूड। नाउ यू नो द कनेक्शन। दूसरा, मम्मी हमें बचपन से बोला करती थी, बेटा बादाम खा, याददाश्त अच्छी रहेगी। कभी सोचा है क्यों? अगर याद नहीं है ये चीज़ तो क्लियरली आपने बादाम नहीं खाई है। बट मैं आपको कनेक्शन बताऊँ, देखो बादाम है ना, इसे रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपका ब्रेन का 60-65% स्ट्रक्चर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है। ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैटी एसिड फॉर योर ब्रेन स्ट्रक्चर। आपका मेमोरी इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। दूसरा, एलमंड्स में एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन हमारी बॉडी में जाता है और वो रॉ मटेरियल है एक न्यूरोट्रांसमीटर का जिसका नाम है सेरेटोनिन। सेरेटोनिन आपकी मेमोरी, आपकी सेक्स लाइफ, आपकी स्लीप और आपकी मेंटल वेलबींग को मैनेज करता है। तो जब आप एलमंड्स रेगुलरली खाते हो आपकी डाइट में, तो आपकी बॉडी में ट्रिप्टोफेन जाता है, सेरेटोनिन बनता है और ये चार फंक्शंस अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। दैट वॉज द सेकेंड कनेक्शन। थर्ड कनेक्शन इज कनेक्टेड विद सेरेटोनिन। हम सब ने सुना है ना कि हमारा गट इज़ द सेकंड ब्रेन। अगेन, कभी सोचा है क्यों? चलो बात करते हैं। हमारे गट के अंदर है ना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। वो हमारे गट इंटेस्टाइन की दीवारों को ऐसे लिटरली गार्ड करके बैठे हैं और उनका एक सही लेवल में होना बहुत ज़रूरी है फॉर योर गट टू फंक्शन एफिशिएंटली। गट का फंक्शन डाइजेशन करना भी है, बट गट की वॉल में से एक और केमिकल निकलता है जो आपकी मेमोरी, सेक्स लाइफ, मेंटल वेलबींग एंड स्लीप, इन चारों चीज़ों को मैनेज करता है। गेस करो, अभी बताया था मैंने, सेरेटोनिन। सेरेटोनिन 90% से ज़्यादा आपके गट की दीवारों में से रिलीज होता है। तो अगर आपका खाना सही नहीं है, आपके खाने में बहुत रिफाइंड शुगर है, बहुत प्रोसेस्ड फूड है, आप स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, आपकी नींद सही नहीं है, आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या? आपका सेरेटोनिन लेवल सही से रिलीज नहीं होगा। सेरेटोनिन लेवल सही से रिलीज नहीं होगा तो ये जो चारों उसके काम है वो सही से फंक्शन नहीं करेंगे। वो मेंटल वेलबींग सही नहीं होगा तो आपका मूड डाउन होगा। मूड डाउन होगा तो क्या होगा? आप जंक फूड पे जाओगे, जंक फूड खाओगे तो क्या होगा? आपका गट हेल्थ वापस से ख़राब होगा, सेरेटोनिन वापस से स्ट्रगल होगा, मूड वापस से ख़राब होगा, आप वापस से जंक फूड खाओगे एंड ये ऐसे विशियस साइकिल चलता रहेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से बाहर निकल सकते हो, डोंट वरी, विल टॉक अबाउट दैट। चौथा, रॉ मटेरियल थियरी। हम सबकी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं, कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हमारे मेंटल वेलबींग को अच्छा रखते हैं। सेरोटोनिन हमने एक बात की, बट देन ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोरफिन्स, दीज आर ऑल्सो हॉर्मोन्स विच आर कीपिंग योर मेंटल हेल्थ राइट। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन का भी काम है। ये केमिकल्स का आपकी बॉडी में बनने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन्स एंड फैट्स। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेड फ्रॉम फैट्स, ऑक्सीटोसिन, एंडोरफिन्स, डोपामिन मेड फ्रॉम प्रोटीन्स। अगर आपकी डाइट में सही फैट, सही प्रोटीन नहीं है तो ये सारे केमिकल्स स्ट्रगल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खाने का बिंज ईटिंग और कंफर्ट के साथ कनेक्शन। बहुत सारे लोग फूड को
कंफर्ट के तौर पे देखते हैं, बट एट द सेम टाइम दैट कैन लीड टू अ सीरीज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स विच आर फूड रिलेटेड। बहुत सारे लोग इतना खाना खा लेते हैं कि उनको लिटरली फिजिकल डिस्कम्फर्ट यहाँ पे फील होता है, तब तक वो खाते रहते हैं, इसको बोलते हैं बिंज ईटिंग। देन देर आर पीपल जो खाना खा लेते हैं फिर उनको गिल्ट फील होता है, एंड गिल्ट फील होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो वो बाथरूम में जाके उल्टी उल्टी करते हैं, ऐसे उंगली डाल के, या लैक्सेटिव्स लेते हैं डायरिया कराने के लिए। दैट्स वॉट वी कॉल बुलिमिया। एंड देन देर आर पीपल जिनका फूड के साथ रिलेशनशिप इज सो मेस्ड अप कि वो खाना खाते ही नहीं है, तो खाने के बाद एक्सेसिव वर्कआउट्स करते हैं जाके, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये तीनों हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू फूड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये पांच चीज़ों के बारे में, बिकॉज ये पांच चीज़ें हम सबको हो रही हैं, एंड इसका सबसे मेजर रीज़न ये है कि हमने अनहेल्दी रिलेशनशिप बनाया हुआ है फूड के साथ। हम फूड को गुड और बैड की नज़रों से देखते हैं। हमने बहुत बार बात की है इसके बारे में कि फूड आइसोलेशन में आपके लिए अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। हमें न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर फूड आइटम को हमारे हेल्थ के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार वो समझ गए, बाकी के सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करना शुरू कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट चेक करो, सारे वीडियोस देखना शांति से, आपका माइंड थोड़ा ओपन होगा अराउंड दैट। मैं कुछ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के डिटेल्स भी छोड़ रहा हूँ, बिकॉज अगर आप सब लोगों को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं और उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो फूड तो एक पार्ट हुआ, बट आपको काउंसलिंग भी लग सकती है, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी लग सकती है, तो उनकी डिटेल्स भी छोड़ रहा हूँ। रीच आउट टू देम इफ़ यू नीड हेल्प। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज आई ओपनिंग एंड यू लर्नड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछना, एंड शेयर करा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये महीने हम नहीं शेयर करेंगे तो कभी करेंगे। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, एंड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए प्लीज़ डोंट रीच आउट टू मी, बिकॉज हम वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हमारे कंसल्टेशन डिटेल्स हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक करो उसको भी। एंड याद रखो कि हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है 26 नवंबर तक, तो वो मिशन में आप थोड़ा हेल्प कर दो मुझे बस। बहुत है, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय।